अब आगे बढ़ते हुए कलकत्ता चलेंगे और हम शहनाज़ रहमत साहबा से मुलतमी से बहुत एहतराम से कि वो अपना कलाम जो है वो हमारी समाप्त सुनते। जी शहनाज़ रहमत साहबा, अस्सलाम और वालेकुम, हम वालेकुम अस्सलाम, और हमें फना शिमोगा साहब ने भी ज्वाइन किया है कर्नाटक इंडिया से, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। जी शहनाज़ रहमत साहबा जी, मतलब पेश करती हूँ, समाप्त कीजिए। इरशाद। ये गजल शायद मैंने पहले भी पढ़ी है, लेकिन आज मैं जरा मतलब जल्दी में हूँ, इसलिए अरे मैं इसी को पढ़ देती हूँ। जी, जरूर जरूर जरूर। काश मुझसे वफा करे कोई, काश हाँ मुझसे वफा करे कोई, मेरे दिल में रहा करे कोई। वाह काश काश। मुझसे वफा करे कोई, मेरे दिल में रहा करे कोई। मैं तो चलती हूँ नेक राहों पर, क्या मैं तो बात चलती हूँ नेक है। राहों वाह वाह पर, राहे बद पर चला करे कोई। अच्छा वाह 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 रब न चाहे तो कुछ नहीं होता, रब न बिल्कुल चाहे तो कुछ नहीं क्या बात। होता, रब न चाहे तो कुछ नहीं होता, लाख मेरा बुरा करे कोई। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चुपके से देखता है मुझे, अच्छा कोई चुपके से देखता है मुझे, उसके हक में दुआ करे कोई। दुआ करे कोई। वाह 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 क्या बात है भाई। वाह वाह बहुत 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 कोई शुक्रिया। चुपके से देखता है कोई मुझे, उसके है मुझे, उसके हक में दुआ करे हक कोई। में दुआ करे। वाह बहुत अच्छे वाह भाई, वाह वाह वाह। मिलने जुलने की कोई शर्त नहीं, मिलने अच्छा जुलने की कोई हाँ शर्त नहीं, खैरियत तो लिया करे कोई। आए आए अरे क्या मासूमियत से कहा है वाह भाई। वाह 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 वाह। ये खैरियत आप तो लिया तमाम करे मौलवियों के कोई, नाम है, ये आप मौजियो तमाम मौलवियों के नाम मौजियो है। हाँ इस क्या मिंबर के कह तमाम मौजी जब मैं रहे गायब रहती हूँ तो मुझे नहीं खैरियत लेते हैं, मुझे नहीं पूछते हैं। हैं। आप वाह लोगों की मजमून की नजर किताबें हैं करती हम सबके हूँ। पास। नहीं हमारे आप हम आपके लिए दुआएं करते हैं जनाब, फिक्र ना करें। जी अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। मिलने जुलने की कोई शर्त नहीं, खैरियत तो लिया करे कोई। रूबरू उसको देख लूं अब तो, वही बात खूब। रूबरू उसको देख लूं अब तो, काश हाँ दिल से दुआ करे कोई। आए काश दिल से मिला करे। और आखिरी शेर वाह बहुत मेरा पसंदीदा शेर है, समाप्त करें। मैं वफाओं की बेपनाह मिसाल, मैं वफाओं की बेपनाह ओ मिसाल, इश्क की इंतहा करे कोई। आए वाह वाह अच्छा है, वाह अच्छा है। वाह मैं वाह वफाओं की बेपनाह मिसाल, इश्क की इंतहा करे कोई। और मख्ता क्या बात पेश करती हूँ, सबसे करती हूँ मैं वफा शहनाज, वाह सबसे करती हूँ मैं वफा शहनाज, बेवफाई किया करे कोई। हाँ बेवफाई किया करे कोई, क्या कहने भाई। अच्छा जी कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी समातों को आप बहुत बहुत सलामत रहें, सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलामत रहें। शहनाज़ रहमत, कलकत्ता से खूबसूरत गजल हमारी समातों की नजर कर रही थी। मौजूद सुखन अदबी फोरम के जरिए तमाम महफिल मुशायरा। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मेरी आवाज आ रही वालेकुम है? अस्सलाम। वालेकुम बिल्कुल आ रही अस्सलाम, हूँ, बहुत अच्छी आ रही है। बल्कि चलिए मतलब समाप्त कीजिए। जी इरशाद। एक और दिन हमारी उम्मीदों का ढल गया,
एक और दिन हमारी उम्मीदों का ढल गया, एक और दिन हमारी उम्मीदों का ढल गया, बदला न वो जमाने में सब कुछ बदल गया। क्या कहने, एक और दिन हमारी उम्मीदों का ढल गया, बदला न वो जमाने में सब कुछ बदल गया। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। गुजरे तमाम दिन, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरे तमाम दिन तेरी यादों में डूब कर, गुजरे तमाम दिन तेरी यादों में डूब कर, मेरा हर एक आज तेरे कल में ढल गया। वाह वाह वाह। मेरा हर एक आज तेरे कल में ढल गया। बहुत अच्छा, वाह वाह। वो जो सफेद पोश था अपने समाज में, वो जो सफेद पोश था अपने अपने समाज में, टकरा गया जो सच से तो चेहरा बदल गया, टकरा गया जो सच से तो चेहरा बदल गया। और इस शेर पर खास तवज्जो चाहती हूँ। शादी की रात चूड़ी की छन छन हजारों ख्वाब, शादी की रात चूड़ी की छन छन हजारों ख्वाब, फिर क्यों किसी की आंख का काजल पिघल गया। किसी की आंख का काजल, फिर क्यों किसी की आंख का काजल पिघल गया। थी जिंदगी में तेरी कमी और उसके साथ, थी जिंदगी में तेरी कमी और उसके साथ, तेरा ख्याल ख्वाब के सांचे में ढल गया। जिंदगी की और आपने, थी जिंदगी में तेरी कमी और उसके साथ, तेरा ख्याल ख्वाब के सांचे में ढल गया। मेहंदी का रंग फीका हुआ मांग भी जली, मेहंदी का रंग फीका हुआ मांग भी जली। आवाज आ रही है। मेहंदी का रंग फीका हुआ मांग भी जली, सोहर विदेश जाके अचानक बदल गया। क्या कहने, क्या कहने, क्या। और मक्ता समाप्त कीजिए। शहनाज चढ़ रही थी मैं सूरज के साथ साथ, शहनाज चढ़ रही थी मैं सूरज के साथ साथ, पर मेरे इस उरूज से हर शख्स जल गया। एक और क्या कहने, क्या उरूज से हर शख्स जल गया। बहुत अच्छा को समाप्त कर। जी 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 जी, मतलब हाजिर करती हूँ। मेरी खामोश मोहब्बत को ये नेमत दी है, मेरी खामोश मोहब्बत को ये नेमत दी है, उसने ठुकरा के मुझे दर्द की दौलत दी है। वाह 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 वाह, क्या कहने सुना, क्या बात। मेरी खामोश मोहब्बत को ये दौलत दी है, उसने ठुकरा के मुझे, मेरी खामोश मोहब्बत को ये नेमत दी है, उसने ठुकरा के मुझे दर्द की दौलत दी है। आपको भूल सकती दिल को कहीं बहलाऊं, आपको भूल सकूं दिल को कहीं बहलाऊं, आपकी याद ने कब मुझको ये मोहलत दी है। बहुत इनायत। आपको भूल सकूं दिल को कहीं बहलाऊं, आपकी याद ने कब मुझको ये मोहलत दी है। पास बैठूं तेरे और तुझको ही देखूं हर पल,
पास बैठूं तेरे और तुझको ही देखूं हर पल, मेरे जज्बों को कहां तूने ये खुर्बत दी है, मेरे जज्बों को कहां तूने ये खुर्बत दी है, पास बैठूं तेरे और तुझको ही देखूं हर पल, मेरे जज्बों को कहां तूने वो खुर्बत दी है, दर्द मंदी से मोहब्बत से मिलूं मैं सबसे। अच्छा मिश्रा है क्या कहने? दर्द मंदी से मोहब्बत से मिलूं मैं सबसे, मेरे अजदाद ने विरसे में ये फितरत दी है। वाह 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 क्या कहने, बहुत अच्छे क्या कहने। दर्द मंदी से मोहब्बत से मिलूं मैं सबसे, मेरे अजदाद ने विरसे में ये फितरत दी है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी दिलकश है हंसी है ये धनक रंग फिजा, कितनी दिलकश है हंसी है ये धनक रंग फिजा, जी मेरे मालिक ने बहारों में और रंगत दी है। क्या बात है, वाह जी। और आखिरी शेर पेश कर रही हूँ, काम औरों के मैं आती रहूं मरते दम तक, काम औरों के मैं आती रहूं मरते दम तक, मेरे खालिक ने मुझे जितनी भी ताकत दी है। क्या बात है, आमीन आमीन, वाह वाह वाह। काम औरों के मैं आती रहूं मरते दम तक, मेरे खालिक ने मुझे जितनी भी ताकत दी है, मेरी खामोश मोहब्बत को ये नेमत दी है, उसने ठुकरा के मुझे दर्द की दौलत दी है। बहुत 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 शुक्रिया, क्या खूबसूरत गजल शहनाज रहमत हमारी समातों की नजर कर रही है। दोस्तों मौजूद सुखन अदबी फोरम के जी, आप लोगों की समातों के हवाले मेरी ये एक गजल, कुछ दिन पहले एहसान इलाही साहब एक गजल पढ़ रहे थे तेरी याद के ताल्लुक से, तो मैंने भी वही हाजिर करने का सोचा। जरूर जी, दिल में हर पल आग क्यों भड़का रही है तेरी याद, क्या कहने, दिल में हर पल आग क्यों भड़का रही है तेरी याद, जितना तड़पूं तड़पा रही है तेरी याद। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल में हर पल आग क्यों भड़का रही है तेरी याद, जितना तड़पूं और भी तड़पा रही है तेरी याद, खेल कैसा खेलने आई है मेरे दिल में, खेल कैसा खेलने आई है मेरे दिल के साथ, एक छलावे की तरह आ जा रही है, बहुत अच्छे खेल कैसा खेल, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खेल कैसा खेलने आई के साथ, एक छलावे की तरह आ जा रही है तेरी याद, एक दरिया आंसुओं का मौजिजन है रात दिन, एक दरिया आंसुओं का मौजिजन है रात दिन, मेरी आंखों पर सितम क्यों ढा रही है तेरी याद। क्या कहने जी। बहुत बहुत इनायत, क्या एक सहारा मेरे जीने का है तेरी याद ही, एक सहारा मेरे जीने का है
है तेरी याद ही, मुझसे फिर क्यों आज छीनी जा रही है तेरी याद। दोस्त भी हमदम भी मेरी, दुश्मन जहाँ भी यही। दोस्त भी हमदम भी मेरी, दुश्मन जहाँ भी यही। क्या कहूँ क्या नाम दूँ, क्या क्या रही है तेरी याद। क्या कहूँ क्या नाम दूँ, क्या क्या रही है तेरी याद। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, समातें बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके घेरे से निकलना अब तो मुमकिन ही नहीं। इसके घेरे से निकलना अब तो मुमकिन ही नहीं। एक जादू की तरह से छा रही है तेरी याद। तेरी याद क्या हसी रिश्ता है तन्हाई से तेरी याद का। क्या हसी रिश्ता है तन्हाई से तेरी याद का। तन्हा मुझको देखकर तन्हा रही है तेरी याद। तन्हा रही है, वाह वाह वाह। तन्हा को क्या इस्तेमाल किया आपने। तन्हा मुझको देखकर तन्हा रही है तेरी याद। साया बनकर साथ मेरे हर घड़ी है हर जगह। साया बनकर साथ मेरे हर घड़ी है हर जगह। एक मुहाफिज अब तो बनती जा रही है तेरी याद। क्या कहने जी, क्या कहने, क्या कहने। दिल में हर पल आग क्यों भड़का रही है तेरी याद। जितना तड़पूं और भी तड़पा रही है तेरी याद। कलकत्ता से हमारे साथ अपना शहनाज रहमत से मैं दरख्वास्त गुजारूं कि गजल शामिल मुशायरा करें। जी शहनाज रहमत, कुछ कह रही थी आप। यही कह रही थी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं कह रही थी कि अमीन भाई के साथ, उनके उनके नाम के साथ ये ओढेरो लाल मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। वो जगह का नाम है असल में। जगह का नाम है। और ये दो ओढेरो लाल, एक ओढेरो लाल है, एक ओढेरो लाल स्टेशन है। ये दो शहर स्टेशन बराबर बराबर। और ओढेरो लाल जो है, ये लाल एक बुजुर्ग हैं, वहाँ उनका मजार भी है और खूबसूरत बहुत पुरफजा मकाम है। ओढेरो लाल जिला मटियारी सूबा सिंध में एक शहर है। ओढेरो लाल स्टेशन, अमीन भाई वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ओढेराई जो है वो इनके शहर का नाम है। और बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं, इसलिए यहाँ जो है अमीन अपने नाम के आगे ओढेरो लाल लगाते हैं। और अमीन भाई, ओढेरो लाल स्टेशन की तारीफ हो गई और शहनाज रहमत ने कहा कि ओढेरो लाल स्टेशन, ओढेरो लाल जो है अमीन भाई के साथ बहुत मैच करता है। शहनाज रहमत हमारी बहन कलकत्ता से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त गुजारूं कि आप अपना कलाम शामिल मुशायरा। जी शहनाज जी, मैं हाजिर करती हूँ। किसी की याद फिर लहरा गई तो। किसी की याद फिर लहरा गई तो बस एक पल में कयामत आ गई तो। आए, 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 आ